नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। अयोध्या में 22 जनवरी को हुए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में लगभग 8000 गेस्ट पहुंचे थे। आपने देखा होगा कि साधु संतों के बीच में एक दाढ़ी वाले इमाम साहब नजर आ रहे हैं। उनका नाम है इमाम उमर अहमद इलियासी, जो कि ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य इमाम हैं। वहाँ पर उन्होंने तकरीर भी की थी और समरसता का संदेश दिया था, लेकिन उस कार्यक्रम में शामिल होना इनके लिए जी का जंजाल बन गया है। अब इनके खिलाफ जारी हो गया है फतवा, और फतवा ही नहीं बल्कि इनको मारने तक की दी जा रही है धमकी। उसके बाद इलियासी साहब क्या कह रहे हैं, उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि हमने कोई गुनाह नहीं किया है। सुनिए जरा। अब वो लोग जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो देश से मोहब्बत करते हैं, वो मेरा समर्थन करेंगे। जो मेरे से नफरत कर रहे हैं मेरे जाने पर, मुझे लगता है यहाँ पर मोहब्बत का पैगाम हमने दिया है, हमने कोई गुनाह नहीं किया है। इमाम साहब यहीं नहीं रुके, वो कह रहे हैं कि पहले मेरा गुनाह बताओ और नहीं तो चले जाओ पाकिस्तान। जरा ये भी इनकी बात सुनिए। लेकिन मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ, पहली बात तो ये इस्लामिक देश नहीं है, ये भारत है, ये सनातन भारत है। इस भारत में हमेशा से सर्वधर्म संभाव की बात है, यहाँ एकता अखंडता की बात है, अनेकता में एकता की बात है। अगर उनको मेरे इस पैगाम मोहब्बत से तकलीफ है, मेरा विरोध कर रहे हैं, तो उनको मुझे लगता है कि अगर मैं राष्ट्र के साथ, देश के साथ अगर प्रेम कर रहा हूँ, मेरा ये दोष है कि मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, मेरा इसलिए विरोध कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। फिर वो गिना रहे हैं कि जो फतवा जारी किया गया है, अलग अलग फतवे जारी कराए जा रहे हैं, उसमें क्या आधार बनाया गया है। उस आधार को सुनकर के आप चौंक जाएंगे कि आप राष्ट्र को क्यों सर्वोपरि मानते हैं, आप अन्य धर्म के कार्यक्रम में क्यों गए, वगैरह वगैरह उसमें बहुत सारे तर्क दिए गए हैं। कुछ फोन कॉल आए हैं जिनको मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, उनके नंबर्स जिन्होंने मुझे जान से मारने के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ देने के लिए जो इस तरह के फ़ोन आए, वो भी फ़ोन आए, माफ़ी के भी फ़ोन आए। तो लास्ट में कल रात को ही एक फतवा जारी हुआ है, जिनका नाम है मुफ्ती साबिर हुसैनी कासमी, जो शख्स एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं मुफ्तियों का, जिनका मुफ्ती क्लासेस के नाम से उनका चलता है। मैं उनको जानता नहीं हूँ, मेरी उनसे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया के माध्यम से, वो तमाम देश भर के इमामों के माध्यम से मेरे पास अलग अलग जगहों से फतवा आना शुरू हो गया था। क्योंकि उन्होंने ये इसमें मेरा एक नंबर है, मेरा मोबाइल का नंबर उन्होंने इसमें ये मेंशन कर दिया है अपने फतवे के अंदर, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर मेरा नंबर जाहिर करके तमाम पूरे देश के लोगों को मेरा नंबर दे दिया, इमामों को दे दिया, ये फतवा जारी कर दिया। उनसे इन्होंने कहा है कि ये माफ़ी मांग लें, मेरा बायकाट कर रहे हैं, और मुझसे उन्होंने कहा है कि आप जो है इस्तीफ़ा दें, वरना आप अपना अंजाम सोच लें। इसमें उन्होंने चार बिंदु इसमें बुनियादी हैं। एक बिंदु उनका ये है कि आप प्राण प्रतिष्ठा में क्यों गए, आप चीफ इमाम हैं, आपको जाने का अधिकार ही नहीं है, आप इसलिए आप पर कुफ्र का फतवा जारी होता है। दूसरा बिंदु उन्होंने ये दिया है कि आपने इंसानियत को धर्म से ऊपर कर दिया है, ये आपका गुनाह है, इसलिए आप पर फतवा जारी होता है। तीसरा गुनाह यह है कि आपने धर्म से ऊपर उठकर आपने कहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, देश को आपने ऊपर बना दिया है, इसलिए आप भी इस फतवे के लिहाज से आप खारिज हो गए, लिहाजा अब आप पर कुफ्र का फतवा जारी कर दिया गया है, और तमाम अलग अलग जो उसकी सजाएं हैं इसमें मुकर्रर कर दी गई हैं। लेकिन इन्होंने भी ठान लिया है कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, चाहे जो हो जाए, क्योंकि हमने कोई गुनाह किया ही नहीं है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर।